किसान भाइयों, स्वराज 735F डबल ई ट्रैक्टर और वन स्टार में है। तो इस ट्रैक्टर की आपको जानकारी देना चाहते हैं थोड़ी। इसमें हार्ड पावर स्टेयरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल, इसमें पंप लगा हुआ है और यहाँ पे अपना रोड लगी हुई है, ये आर्म देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हाइड पावर स्टेयरिंग बोला जाता है इसको, 735F है। और इसके जो इंजन की बात की जाए तो ये 2734 cc में आता है। और 2734 cc के अलावा इसकी जो HP की बात की जाए तो ये 39 HP में आता है। और ये आर मार्क लगा हुआ इस ट्रैक्टर पे, तो इसकी पहचान 39 HP में होती है। और पावर स्टेयरिंग ये ट्रैक्टर आता है। और इसमें आपको ऑयल ब्रेक मिल जाते हैं। अपने जो किसान खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ मैं। ऑयल इसमें ब्रेक मिल जाते हैं आपको। इसमें ये एक बहुत ही बढ़िया स्विच दिया है, जब तक आप हाई और लो गियर को न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। ये बढ़िया खासियत है ट्रैक्टर में। ये आप यहाँ पे मिरर देख सकते हैं पीछे देखने के लिए। कंपनी यहाँ पे आपको हैंड रेस देती है जो कि बढ़िया रहती है। और ये सीट देख सकते हैं आप इसकी, यहाँ पे स्टेयरिंग मिल जाती है आपको। इसमें ही आपको हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्वराज 735F डबल ई की बैजिंग मिल जाती है। वन स्टार ये ट्रैक्टर आता है। और इसकी हेलोजन की बात किया है तो कंपनी शुरू से ही इसमें इस तरीके की हेलोजन दे रही है, चौकोर और बाहर उभरी हुई, जो कि अपने इस ट्रैक्टर को देखने का जो लुक है किसान का वो बहुत ही सुंदर बनाता है। ये यहाँ पे आप इसकी स्वराज की ये बैजिंग देख सकते हैं आगे, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप नीचे से इस तरह से दिखता है ट्रैक्टर। ये यहाँ पर चढ़ने के लिए कंपनी आपको ये पैरदान देती है, जिससे आप पैर रखकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं ट्रैक्टर की। और इसमें ये शुरू से ही कंपनी इसमें स्वराज के जो भी सभी ट्रैक्टर हैं ये 3 सिलेंडर में दे रही है, क्योंकि 3 सिलेंडर में एक देने का स्वराज का एक फ़ायदा है किसानों के लिए, फ़ायदा है क्योंकि उसमें डीजल कम लगता है 3 सिलेंडर में और काम अच्छा करता है। और 4 सिलेंडर ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसमें 4 सिलेंडर में डीजल अलग अलग सिलेंडर खाएगा, तो किसान का डीजल भी ज़्यादा लगेगा और उसके अलावा काम उतना ही करेगा जितना कि ये, तो उससे बेटर ये है 3 सिलेंडर में। एक बार पीछे दिखाऊँ मैं आपके लिए इसमें, तो ये पीछे देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको 3 लिंकेज पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं टॉप लिंक के लिए। और इसकी ये हिच देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त इसमें हिच देती है कंपनी। और ये हाइड्रावार पट्टी इसमें साथ की साथ देती है और टॉपलिंग भी साथ की साथ देती है। पीछे रिफ्लेक्टर दिया रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और ये मेन बात यहाँ पर स्टेबलाइजर देख सकते हैं आप। ये स्टेबलाइजर तो ये हिलने डुलने से बचाता है एम्प्लीमेंट को। और इसके काफ़ी बढ़िया इसमें इंडिकेटर वगैरह दिए हुए। ये हेलोजन की बात की जाए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये हेलोजन काफ़ी बढ़िया रात में किसान के काम को बहुत ही आसान बनाती है, जो जल्दी से जल्दी किसान अपना काम कर लेता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें हेलोजन दिए कंपनी ने। और इसमें भाइयों बात की जाए इसमें टायर की, बहुत से किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे थे, तो इसमें ये 13-28 के इसमें टायर मिलते हैं और आपको 12-4 का भी ऑप्शन मिल जाता है। ट्रैक्टर आपको कैसा लगा? ये हाई और लो गियर के साथ में ये ट्रैक्टर है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर में। ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और रिवर्स, ये 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, 10 गियर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, जो कि अपनी सभी कैटेगरी के ट्रैक्टरों में नंबर 1 पे आता है भाइयों, ये स्वराज। और आप यहाँ पे इसके
पोजीशन कंट्रोल एंड ड्राफ्ट कंट्रोल देख सकते हैं यहाँ पे। टीलर को सेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है, तो आप पहले इसको निश्चित कर लें और उसके बाद में आप इससे छिड़खानी ना करके उससे उठाते रहें, गिराते रहें, आपका टीलर सही चलेगा। इसमें एक बात और बताऊं मैं, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम दिया है कंपनी ने, क्योंकि जो सभी किसान खेतों पर काम करते हैं तो ट्रैक्टर पर ज़्यादा समय पर रहना पड़ता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल यहीं पर चार्जिंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है कंपनी ने, और इसमें चार आपको मीटर मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर, बैटरी मीटर, टेम्परेचर मीटर और ये फ्यूल मीटर, जो कि सभी अपनी तरीके से अच्छा काम करते हैं। इसमें सेल्फ की बात की जाए तो ये सेल्फ काफ़ी बढ़िया है, इसमें बड़ा है और 12 वोल्ट का इसमें सेल्फ है ऑटो लेक का। और एक बात और बताऊं मैं आपके लिए, इसमें इसकी मुख्य बात है ये पंप में आपको ऑयल अलग से नहीं डालना पड़ता, ये इंजन से ही ऑयल ले लेता है। और एक बात और दिखाऊं, ये आपका यहाँ पे पीटीओ लीवर है, यहाँ पे आप पीटीओ कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाता है, वो देख सकते हैं आप। तो वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, हमारे सभी भाइयों के लिए धन्यवाद। ऐसी आप अनेक जानकारी के लिए वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कौन से ट्रैक्टर की आप वीडियो चाहते हैं।